आज मैं एक ऐसा मंदिर देखने जा रही हूँ जहाँ कोई भगवान वास नहीं करते पर एक ऐसी महान हस्ती वास करती है जो अपनी मृत्यु के बाद भी हमारे देश की हिफाजत में जुटे हैं। लेकिन उससे पहले मैं पहुँच जाती हूँ इंडिया चाइना बॉर्डर, जहाँ से ऊपर जाने में मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मुझे हर दो कदम पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। पहाड़ी के उस पार वाला हिस्सा चाइना का और इस पार वाला हिस्सा इंडिया का, और यहाँ पर दोनों कंट्रीज के लोग सिर्फ 10 मीटर के दायरे में रहते हैं। यहाँ खड़े होकर पता चलता है कि भारतीय जवान सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए किन कठिनाइयों से गुजरते हैं। और एक ऐसे ही फौजी हैं बाबा हरभजन सिंह, जो कि भारतीय सेना के सिक्किम रेजिमेंट में एक सिपाही थे। उनका देहांत तब हुआ जब वो अपने काफिले को टुकलू से डोंगियों ले जा रहे थे और अपने घोड़े से फिसल के एक नाले में गिर गए और पानी की तेज धारा में उनका शरीर बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। और ये मान्यता है कि बाबा हरभजन अपने साथी के सपने में आए और समाधि के निर्माण का अनुरोध किया, और उसके बाद आज तक बाबा हरभजन भारतीय सेना में नियुक्त है। उसके अलावा आज भी इनके घर सैलरी भेजी जाती है और जब भी इनके रेजिमेंट को छुट्टी मिलती है तो बाबा हरभजन की भी एक टिकट कटाई जाती है जो सीट खाली ही